हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मीनूज लाइफ। आज मैं आप लोगों के साथ मैं अपने बालों को टेम्प्रोरी स्ट्रेट कैसे करती हूँ इसका वीडियो शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये जिस भी प्रोडक्ट को मैं यूज़ करूँगी वो मेरा खुद का परचेस किया हुआ है, तो मैं आज वो करके दिखाऊँगी आप लोगों को कि टेम्प्रोरी अपने बालों को आप कैसे स्ट्रेट करें। तो आज मैंने ये फ्लेम रेड कलर अपने बालों में ये लगाया, पर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। ऐसे में तो नहीं लग रहा, अब स्ट्रेट होने के बाद देखते हैं कैसा लगता है। तो आज जो मैं स्ट्रेटनर यूज़ करने जा रही हूँ वो प्रोफेशनल आइकॉनिक का है, जो कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है। इस स्ट्रेटनर को मैं करीब एक साल से यूज़ कर रही हूँ, तो वो ऐसा है, ये देखिए आइकॉनिक का। इसका टेम्परेचर जो है 130 से लेके 230 डिग्री तक है, तो आप अपने बालों के अनुसार ही इसका टेम्परेचर सेट करें। अगर बहुत थिक हेयर हैं तो आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, और अगर मेरे जैसे बहुत थिक तो नहीं है, मेरे बाल बहुत ठीक है, तो मैं 190 तक ही रखती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं नहीं रखती क्योंकि डैमेज नहीं करना है बालों को मुझे। और यहाँ पर ये बटन है, एक आप लोगों को दिखेगा, ये इस बटन से पावर ऑन होता है और इन दोनों बटन से टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है। ये जो है ये सिरेमिक कोटिंग है, इससे बाल डैमेज नहीं होते हैं। तो इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ये अमेज़ॉन से मिल जाएगा। हालांकि मुझे ये अमेज़ॉन से मैंने नहीं लिया था, ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था एक साल पहले। एक साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो कभी भी आप अपने बालों को जब भी स्ट्रेट करते हैं, आयरनिंग करने से पहले आप अपने बालों पे हीट प्रोटेक्टर ज़रूर लगाएं। तो मैं सबसे पहले लगाऊंगी ये स्ट्रिक्स का हेयर सीरम, तो ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा ही लगाना है। बालों की लेंथ पर आप ज़रूर अप्लाई करें इसे। अगर आपने अपने बाल परमानेंटली स्ट्रेट कराए हैं तो सीरम ज़रूर अप्लाई करें। सीरम ऐसे भी अप्लाई करने चाहिए बालों को। अब मैं इसे ऑन कर देती हूँ, ये देखिए यहाँ ब्लिंक कर रहा है ना, ये ऑन हो गया है और ये 190 पर ही है। तो सबसे पहले अपने बालों को सेक्शन में डिवाइड कर ले। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये रेड कलर, इसे मैं जल्द से जल्द ज़रूर चेंज करूँगी। पतले पतले सेशंस में लेकर और ऊपर के बालों को इस तरह से मैं क्लच कर दूँगी। कोम का यूज़ ज़रूर करें साथ में, वरना आपके हाथों को जलने का भी डर हो सकता है क्योंकि बहुत जल्दी हीट हो जाता है। देख सकते हैं, इसे मैं पीछे डालूंगी और फिर से दूसरा सेक्शन लूंगी और उसे फिर फ्रंट में ले आऊंगी और बाकी के बालों को फिर से यहाँ पर क्लच कर दूंगी। ये बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में आपके बालों को एकदम स्ट्रेट कर देता है, बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह। और पीछे जो बाल मैंने स्ट्रेट करके रखे थे इसे भी साथ में मिलाकर, बस इस तरह से इसे स्ट्रेट करेंगे, फिर इसे पीछे ले जाऊंगी, फिर से एक सेक्शन
और फिर स्ट्रेट बालों को मैंने पीछे कर दिया है और फिर से एक सेक्शन लिया है और इन बालों को ऊपर क्लच करूँगी और इसे फिर से स्ट्रेटनर चलाऊंगी। ये देखिए कोम जरूर साथ में रखें वरना आपके हाथ जल सकते हैं। पीछे के बालों को फिर से मिला ले। ये देखिए तो आप देख सकते हैं बाल मेरे स्ट्रेट हो चुके हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। और वो हुए हैं इससे, बहुत मेरे बाल तो बहुत घने हैं नहीं, तो 10 मिनट भी नहीं लगे हैं और मेरे बाल इतने अच्छे से स्ट्रेट हो गए हैं। बालों को स्ट्रेट करने के बाद आप बालों में फिर से सीरम लगा लें तो फिर से मैं ये सीरम अप्लाई करूँगी। मुझे ये कलर तो उतना अच्छा लग नहीं रहा, मैं इसे जल्दी चेंज करूँगी। बाल स्ट्रेट हो जाने के बाद कंघी बहुत स्मूथ चलती है, उलझते नहीं हैं बाल, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये था मेरा हेयर स्ट्रेटनिंग का वीडियो, किस तरह से मैं अपने बालों को स्ट्रेट करती हूँ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को मेरे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप मेरे वीडियो को देख सकें। सो मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।